बस एक चम्मच इसे खा लीजिए और शरीर की होने वाली हर तरह की कमजोरी, दर्द, थकान, आंखों का चश्मा हटाए, दिमाग तेज करे, यहाँ तक कि ये खून बनाने की मशीन है। और सबसे खास बात कि बिना चीनी बन के तैयार होती है, कोई भी इसे खा सकता है। और इसका स्वाद इतना ज़्यादा गजब का है कि आपको इसके आगे शादियों वाला हलवा भी फीका लगेगा। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग आधा किलो के आसपास चुकंदर, जिनको अच्छी तरीके से धोकर छील लिया है मैंने। और अब आप चाहें तो इनको कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सर्दियों में आपसे ढेर सारे काम करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा काम है बहुत ही आसान तरीके से ऑथेंटिक और परफेक्ट टेस्ट देना। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आधा किलो बीटरूट लिए हैं, इसको हम पहले रफली चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, पहले छील लीजिएगा, तभी आपको काटना है, क्योंकि ऊपर छिलके अपना ढेर सारी मिट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ देखिए, मैंने चुकंदर को अच्छे तरीके से काट लिया है और इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से टफ लगे, या फिर आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर जो फूड प्रोसेसर आते हैं ना, उसमें भी आप इसको बारीक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और इस जार में आधा चुकंदर हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। मतलब इसमें हम बिना पानी या कुछ भी डाले इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेते हैं मिक्सी को रोक रोक के। तो यहाँ देखिए, मैंने आधे चुकंदर के टुकड़ों को इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं इनके जो टुकड़े हैं ना, बहुत स्मूथ नहीं करने हैं, इस तरीके से छोटे बड़े रहने चाहिए, देख रहे हैं। तो ऐसा ही हमें टेक्सचर इस रेसिपी के लिए चाहिए। अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो चलिए ये पूरा मिक्सचर हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में, और बाकी के बचे हुए चुकंदर भी हम इसी तरीके से कोर्सली ग्राइंड करके प्लेट में रख लेंगे। आप यहाँ पर चुकंदर की जो क्वांटिटी है कम कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों का जो मेज़रमेंट बताऊँगी इस रेसिपी में, वो आधा किलो चुकंदर के लिए ही बताऊँगी। और आप अगर इस हलवे को ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यह हलवा काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है अगर आप फ्रिज में रखें और एयरटाइट बॉक्स में रखें। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, मैंने सारे चुकंदर को इस तरीके से पीस कर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं सेम बिल्कुल एक समान ये पीस कर रेडी हो गया है, और बहुत ही कम समय में पिस जाता है। आपको ग्रेट करने से ये ज़्यादा ईजी लगेगा, तो आप भी इस तरीके से करिएगा, बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक टेस्ट भी आएगा। तो चलिए, आप ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक भारी तली का कोई भी कढ़ाई और बड़े बर्तन का यूज़ करना है, जिसमें आसानी से इसको चलाया जा सके और मिलाया जा सके। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी, और घी जैसे ही मेल्ट होता है हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैं 2 टेबल स्पून काजू डाल रही हूँ, इसके साथ ही 2 टेबलस्पून आलमंड्स यानी कि बादाम डाल रहे हैं, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून पिस्ता। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से घी में हम क्रिस्पी होने तक भुनेंगे। ऐसा करने से जब हम हलवे में ये ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पनेस आती है, जिससे कि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी जब भी ड्राई फ्रूट डालें, उसको ज़रूर से घी में भून लीजिए, या फिर हल्का सा रोस्ट भी कर लेंगे ना तो भी अच्छा रहेगा। 1 मिनट तक मैंने इनको भून लिया है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड कर लेंगे, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको किशमिश का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं। सारी चीज़ों को भून लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो किशमिश है वो बढ़िया से फूल जाएँ और सारी चीज़ें बढ़िया से गोल्डन हो जाएँ। तो देख सकते हैं बढ़िया से ये गोल्डन हो गए हैं। तो अब ये पूरे ड्राई फ्रूट्स हम अलग प्लेट में निकालेंगे, इसका इस्तेमाल हम सबसे लास्ट में करेंगे। और अब जो कढ़ाई में घी बच गया है, इसी में हम डाल देंगे ये हमारा कोर्सली ग्राइंड किया हुआ ये चुकंदर। तो ये पूरा हम इसमें ऐड कर लेंगे, और घी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कुक करते समय किसी भी हलवे में आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। घी हमें तब डालना होता है, या तो वो आधा पक गया होता है, या फिर सर्व करने के टाइम पे। तो चुकंदर को डालकर हम इनको 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर भुनेंगे, ताकि ये हल्के से सिक जाए। भुनना बहुत ही ज़रूरी है, आप तुरंत ही इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो इसमें बढ़िया वाला टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ा सा भून लेने से ना, इसके अंदर जो हल्की सी तीखापन रहती है ना, जिसकी वजह से कच्चा खाना लोग पसंद नहीं करते, वो निकल जाएगा। तो इनको हम 5 मिनट के लिए कलर चेंज होने तक भून लेंगे, और देख सकते हैं 5 मिनट के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से डार्क होने लगा है, और इसमें से जो जूस है ना, वो भी ड्राई होने लगा है। तो अब इसमें बारी आती है दूध डालने की, ताकि जो चुकंदर है उसको अच्छी तरीके से हम पका सकें। यहाँ पर अगर आप
मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो कोकोनट मिल्क पाउडर होती है उसे भी पानी में घोल कर ले सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर को भी घोल कर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 कप ये फुल क्रीम दूध ऐड कर रही हूँ, आप कोई से भी मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मावे वाला टेक्सचर और टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, अगर हो तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। दूध और मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसमें और आप देखेंगे इंस्टेंटली इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसमें बहुत ज़्यादा दूध डालने की भी ज़रूरत नहीं तो कलर इसका बहुत लाइट हो जाएगा। थोड़े से दूध में धीमी आंच पर पकाइए जिससे कि अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए और ये लाइट भी ना हो। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को कम कर दूंगी और थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो चुकंदर है वो नरम और सॉफ्ट हो जाए। चलिए ढक देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, एकदम गाजर के हलवे वाला टेक्सचर होने वाला है इसका। चुकंदर अच्छी तरीके से नरम हो गए हैं और अब इसमें जो जूस दिख रहा है ना आपको, इसे हमें सुखाना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें टेस्ट चेंज करने के लिए, क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो मैं अक्सर बिना चीनी के बना कर रखती हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें नहीं तो हटा सकते हैं। तो ये मैं 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब मिठास के लिए मैं डालूंगी इसमें गुड़, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, और गुड़ मैंने यहाँ पर ये देसी गुड़ लिया था जिसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में पीस लिया है मैंने, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखें तो ये गुड़ ही है जिसको ग्राइंडर में हल्का कोर्सली पीस लिया है मैंने, जिससे कि अगर बड़े बड़े गांठें रहती हैं ना तो घुलने में टाइम लगता है, अगर पीस कर डालेंगे ना तो इंस्टेंटली मिक्स हो जाते हैं और घुलाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये लगभग 1/2 कप के आसपास मैं गुड़ इसमें डाल रही हूँ, चीनी की बजाय गुड़ में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप क्या यूज़ कर रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चीनी या फिर गुड़। अगर चीनी ले रहे हैं तो 1/2 कप ही चीनी डालिएगा क्योंकि चुकंदर में भी अपनी मिठास होती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि गुड़ अच्छी तरीके से पक जाए और थोड़ा सा ये मिक्सचर हमारा ड्राई हो जाए। तो चलिए फ्लेम को कम करके ढक देते हैं इन्हें, और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद मिक्सचर हमारा एकदम हलवे के टेक्सचर में आ गया है। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लेंगे और अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची हल्का सा, तो 2-3 इलायची को कूट कर डाल दिया है मैंने, और अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर लिए थे ये पूरा हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे लास्ट स्टेज में हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर आपको घी पसंद है तो आप इसमें ढेर सारा घी डाल सकते हैं, हम अभी घी इसमें नहीं डालेंगे, हम डालेंगे सर्विंग के टाइम पे। तो ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिलाकर 1 मिनट के लिए हम इनको हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि जो हल्की सी इसमें गीलापन है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और एकदम गाजर के हलवे वाला टेक्स्चर हो जाए। और ये देखिए एकदम बढ़िया टेक्सचर हो गया है, कलर देखिए कितना ऑसम है इसका। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, ये देखें कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, एकदम गर्मा गर्म, क्या कलर है इसका, देखते ही मुँह में पानी आ जाए। आप एक बार ज़रूर बना कर देखना, चीनी से बिल्कुल मत बनाना, गुड़ से ही बनाना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। एक बार खाएंगे ना तो आपको गाजर वाले हलवे भी फीके लगेंगे। इसको बोल में डाल दीजिए गर्मा गर्म, थोड़ी सी देसी घी और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल दीजिए अपने पसंदीदा, और लीजिए गर्मा गर्म ये चुकंदर का बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही हेल्दी हलवा तैयार है। देख रहे हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। अगर आपने ये हलवा कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर से बनाकर देखिए, आप एक बार इसे चखेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। गर्मा गर्म ये हलवा आप इसको 15 दिनों तक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, और जब भी खाना हो इसको थोड़ा सा मिक्सचर पैन में डालें, गर्म करें, घी डालें और इन्जॉय कीजिए, बहुत ईजी लगता है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हलवे की और भी नई नई रेसिपीज़ देखनी है बिना खोया मावा के, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं, जाकर जरूर से देखिए। साथ ही चुकंदर की भी बहुत ही नई नई रेसिपीज़ के लिंक दिए हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ज़रूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस डिलीशियस से हलवे को खाने का मजा ना सर्दियों में ही अक्सर आता है, क्योंकि चुकंदर हमारी हेयर के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ज़रूर बनाइए, और आप देख सकते हैं इस हलवे को एक बार खाने के बाद तो क्या कोई देखने के बाद भी नहीं कह पाएगा कि आपने इसमें मावा या फिर चीनी नहीं डाला है। बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है घर की बेसिक चीज़ों से। तो कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आपके पास हर दिन नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो एंजॉय कीजिए, कल फिर मिलते हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।